से पहले एक बड़ी खबर, बरेली पीलीभीत सितारगंज हाईवे के 50 करोड़ के घोटाले में एनएचएआई ने अफसरों को निलंबित कर दिया है। दो अफसर निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने यह कार्रवाई की है। बरेली खंड के परियोजना निदेशक रहे बीपी पाचर और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभालने वाले लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव कुमार शर्मा को निलंबित किया गया। ईडब्ल्यूओ एसीबी या फिर स्टेट विजिलेंस से जांच कराने के लिए यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। हाईवे को 2 से 4 लेन किया गया। साथ ही बरेली में बदायूं और दिल्ली रोड को मिलाने वाली 32 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रिंग रोड अधिग्रहण किया जाना है। दोनों कामों में अधिसूचना में 10 से ज्यादा भूखंडों पर टीन शेड बनाकर पक्की बिल्डिंग दिखाई गई। सितारगंज हाईवे के लिए 37.83 करोड़ रुपए और बरेली रिंग रोड के लिए करीब 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। चित्रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चित्रंजन, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दूं, जो शिकायत पहले से मिली थी 2010 में, जो बरेली से पीलीभीत और सितारगंज उत्तराखंड को जोड़ने वाला हाईवे था, तो उस हाईवे के लिए निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और उसी के तहत बनाया जा रहा था। करीब 2900 करोड़ रुपए की ये पूरी लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था और इसमें जब इसकी पहले सर्वे हुआ तब कुछ भूखंड नहीं बने हुए थे। बाद में जो सर्वे हुआ उसमें कई सारे भूखंड बना दिए गए और उसके बाद उसका पैसा निकाल लिया गया, जिसमें 50 करोड़ रुपए निकाला गया है और उसी का घोटाला की बात सामने आई है। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है, दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इसमें विजिलेंस जांच की भी आदेश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव से कहा गया है कि इसमें विजिलेंस जांच हो और इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें बरेली जो बदायूं और बरेली था हाईवे, उसका रिंग रोड था उसमें करीब 10 करोड़ रुपए और जो बरेली सितारगंज रोड था उसमें करीब 32 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।